हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों, बड़ों, घर के बड़े लोगों को, बुज़ुर्गों को, सबको बहुत ही अच्छी लगती है। और सबसे बढ़िया चीज़ है, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ये मैं आपके लेके आई हूँ नमकीन सेवियों की रेसिपी, जिसको हम वर्मिसली भी कहते हैं। और ये मीठी भी बनती है, आपको पता है। ऑलरेडी मैं दो मीठी रेसिपी वर्मिसली की ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, मीठी सेवियों की, वो भी देखिएगा आप मेरे चैनल में। और चलिए मैं आपको इसका बताती हूँ। ये भी देखिए, वर्मिसली भी, नमकीन भी बहुत तरीक़ों से बनती है। तो मैं आज आपको सबसे पहले बहुत ही ईजी तरीके से बताने जा रही हूँ, जो बच्चों के टिफ़िन में एक एज अ ब्रेकफास्ट भी आप दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट सिखा देती हूँ। ये देखिए वर्मिसली, 1.5 कप मैंने वर्मिसली ली हुई है। ये बॉयल्ड मटर मैंने बॉयल कर लिए, क्योंकि आजकल मटर बहुत अच्छे नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा कच्चे रह जाते हैं, तो मैंने इसको बॉयल कर लिया है हल्का सा। ये कैप्सिकम है, 1/2 कैप्सिकम, 1/2 कैरेट है, 2 ग्रीन चिलीज ली हुए हैं, हरा धनिया लिया हुआ है, एक आलू छोटा सा काटा हुआ है, और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है। और इसके अलावा ये आप चाहें तो टोमेटो सॉस यूज़ कर सकते हैं, या शेजवान चटनी, जो भी चाहिए अलग से फ्लेवर देने के लिए बाद में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्मिसली बनाना। देखिए, मैं सबसे पहले हमें करना क्या है, वर्मिसली को बॉईल करना है। ये भी दो तरीके से बनती है, आज मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने जो वर्मिसली ली है वो रोस्टेड वर्मिसली ली है। तो इसमें जैसे मैंने पानी 1.5 कटोरी मैंने वर्मिसली ली थी, तो आप अराउंड 4 कटोरी आप पानी डाल दीजिए, और थोड़ा सा 1/4 स्पून आप सॉल्ट डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे कि जिससे स्टिक ना हो पानी में, थोड़ा सा ऑयल डालना है हमें। और इसके बाद पानी देखिए मेरा गर्म हो चुका है, ठंडे पानी में मत डालिएगा वर्मिसली, पानी गर्म हो चुका है, उसके बाद हम इसमें वर्मिसली डाल देंगे। क्योंकि अगर हम रोस्टेड वर्मिसली लिए तो इसको हम रोस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी वर्मिसली रोस्टेड नहीं है, तो एक पैन में पहले से थोड़ा सा ऑयल डाल के 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून अराउंड, तो उसको वर्मिसली को रोस्ट कर लीजिएगा हल्का सा, नहीं तो वो सारा स्टिक होगी जब आप बनाएंगे। तो अब ये देखिए हमने डाल दिए, इसको मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा इसको बॉयल होने में। तो चलिए अब हम इसको बॉयल कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए 4 मिनट हो गए इसको बॉयल होते हुए, मैंने हाई फ्लेम पर करी हूँ और कंटिन्यूसली इसको हिला रही हूँ। ये देखिए मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ये देखिए अराउंड 90% हो गई। इस टाइम पे हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम स्ट्रेनर से छान लेते हैं और इसका पानी फेंक देंगे, और उसके बाद इसको हम ठंडे पानी से धो लेंगे। क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से नहीं धोते तो वो साथ साथ फिर वो कुक होता रहता है, गर्मी से वो और पक जाएगी सेवियाँ। तो हम इसको जल्दी से छान के और इसको ठंडे पानी से धो लेते हैं। देखिए मैंने सेवियाँ अच्छे से धो लिए, अच्छे से पानी से उसको निकाल दिया, उसकी वो अच्छे से कि स्टार्च वगैरह सारा निकल जाए, इससे ये स्टिक ना हो बनाते समय। तो चलिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं और सेवियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गैस ऑन कर दिया है यहाँ पे। चलिए इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी, ये ऑयल डालेंगे अराउंड 1.5 टेबल स्पून, इसमें ऑयल पड़ जाएगा। उसके बाद ऑयल गर्म हो गए, इसके बाद हम डाल देंगे ये देखिए, ये जो हमने प्याज काट के रखे थे इसको हमें हल्का सा 1 मिनट के लिए, बहुत ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन, पर हल्का सा लाइट ब्राउन होने लग जाए तब तक इसको हमें ऑयल में इसमें करना है। और घी आप जो भी चाहें यूज़ करना चाहें, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं घर में, देसी घी और रिफाइंड, जो भी चाहें आप उसमें बनाइए। चलिए अब हम इसको 1 मिनट के लिए कर लेते हैं। देखिए प्याज बिल्कुल देखिए ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और हल्के हल्के लाइट ब्राउन से होने लगे हैं। इस टाइम पे हम गैस जो है वो सिम कर स्लो फ्लेम पर कर देंगे। और इसके बाद देखिए, वैसे तो इसमें दाल डालता है ज़ीरा, इस समय आपको ज़ीरा डालना है तो 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बच्चों का सोच के बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज़ीरा पसंद नहीं करते हैं, तो आप ज़ीरा अवॉइड करिए। और देखिए मैं ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, पर ये भी ऑप्शनल है, अगर बच्चे नहीं खाते तो आप ये भी अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीन चिलीज डालिए, ये भी हम इसको हिला लेंगे। अब इसके बाद हम इस टाइम पे इसमें डालेंगे
क्योंकि थोड़ा सा बस ये हो जाए ऑयल में। ये देखिए हाफ टी स्पून मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी इसमें, 1/4 स्पून धनिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी, थोड़ा सा हमने जीरा नहीं यूज किया है तो भुना हुआ जीरा यूज करेंगे हम इसके लिए। इसके बाद हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। क्योंकि हमने रेड चिली नॉर्मल वाली इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रीन चिलीज डाली हैं, तो आप टेस्ट के हिसाब से देखिएगा, अगर आपको यूज़ करनी है दूसरी वाली तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें देखिए अराउंड 1 टीस्पून सॉल्ट डल जाएगा, इससे आप इतना तो डल ही जाएगा, बाकी आप तेज नमक खाते हैं तो आप देख के देख लीजिएगा क्योंकि सॉल्ट टू टेस्ट है, आप कैसा पसंद करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें नीचे आलू डालेंगे क्योंकि आलू अभी कच्चे हैं तो हमें इनको पकाना है। अब इस टाइम पे अभी हम और वेजिटेबल्स नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल गल जाएंगे, तो अब इस हमने आलू डाला है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे, थोड़ा सा आलू को पकने देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको चेक करती हूँ आलू को कितने हो गए। आलू बहुत महीन महीन कटे थे, लगभग 70% आलू हमारा हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें ये बाकी की वेजीज डाल देंगे क्योंकि उनको भी थोड़ा सा तो पकाना ही है। ये मैंने डाल दिए मटर, ये डाल दी शिमला मिर्च, कैप्सिकम कटी हुई, और सब्जियां भी ऑप्शनल है। अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं खाता है या आप कुछ और वेज डालना चाहते हैं, बीन्स डालना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंच बीन या पत्ता गोभी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पर हल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखिए हम अच्छे से इसको हिला लेंगे और उसके बाद हम इसको 1 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे क्योंकि बाकी वेजीज को हमें गलाना नहीं पर हल्का सा उसका कच्चापन ख़त्म करना है, तो हम इसको 1 मिनट के लिए कर लेते हैं। 1 मिनट हो गया है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये। इस टाइम पे मैं इसमें देखती जो वर्मिसेली मैंने करके रखी थी ये वर्मिसेली मैं डाल दूँगी इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए वर्मिसेली आपको दिख रहा होगा एक एक अलग अलग है, देखिए बिल्कुल भी स्टिक नहीं है ये। एक तो आप जैसे ही गर्म पानी से आप इसको बॉईल करते हैं तो उसके बाद ठंडे पानी से ज़रूर धो लीजिएगा। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसके बाद देखिए हम इसके बाद उसके ऊपर से, अब ये देखिए ऑप्शनल है, अगर बच्चे थोड़ा सा करारा खा लेते हैं तो आप इसमें शेजवान चटनी डाल दीजिएगा 1 चम्मच, अदरवाइज टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे टिफिन में फिर बहुत शौक से खाएंगे। एक तो ये सूजी की है बहुत हेल्दी होती है, उसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं तो आप सोच लीजिए कि इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए सबके लिए, तो ये आप बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बड़े भी, और बनता भी फटाफट है। ये देखिए हमारा ये हो गया, इसके ऊपर से अब हम ये हरा धनिया है ये थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखिए इसमें बहुत आप चाहें तो वेजिटेबल्स का देख सकते हैं कि जो बच्चे खाते हैं वो डाल दीजिए, और मिर्च का देख लीजिएगा आप कि कैसे डालनी है, कम डालनी है, ग्रीन चिलीज डालनी है नहीं डालनी। ये देखिए हमारी ये देखिए वर्मिसेली बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए फटाफट। अगर आपके पास 10-15 मिनट है ना तो वो भी बहुत है वर्मिसेली बनाने के लिए, तो आप 15 मिनट में तो बना के सर्व भी कर देंगे और फटाफट। देखिए बिल्कुल एक एक वर्मिसेली का दाना अलग है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसको आप बनाइए फ्राई करिए, जब तक मैं इसको सर्व कर देती। फ्रेंड्स मेरी वर्मिसेली बिल्कुल रेडी हो गई है, आप भी ट्राई ज़रूर करिए और बताइएगा कि कैसी बनी, और बच्चों को तो ज़रूर मैं टिफ़िन में देखिएगा, बहुत ही शौक से खाएंगे।
और फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि शुरू में ही मैंने अपने वीडियोस में बोला था कि मैं ऐसी रेसिपीज़ बताऊँगी जो बहुत इजी हो और हर बंदे के लिए बनाना बहुत ही आसान हो, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो ऐसे हों कि आपके घर में ही अवेलेबल हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाहर अपने आसपास की छोटी दुकानों में भी ईजिली अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, मैं वैसी ही हल्की फुल्की चीज़ें बताती हूँ, आसान फटाफट बनने वाली, जो हर बंदा बना सके, उसके इंग्रेडिएंट ऐसे हों जो हर बंदे की पहुंच के अंदर हो। तो मैं अपनी आम पब्लिक तक पहुंचना चाहती हूं, उनका प्यार पाना चाहती हूं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो मेरे सब तक कैसे पहुँचेंगे वीडियोज़। तो प्लीज़ डू द नीडफुल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।